साथियों नमस्कार। साथियों जो मुश्तरका मालकान जमीने हैं, ये 8 प्रकार की जमीने हैं जो आपके हाथ से निकलने वाली हैं और सरकार 2 साल से इसकी तैयारी कर रही है। कईयों के पोर्टल बदल दिए गए हैं, कईयों का इंतकाल टूट चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है वो किसानों के विरुद्ध आया है। ये सारी जमीने छूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके पीछे बात है कि ये सारी जमीनें लेके और कारपोरेट को लीज पे देंगे तो बड़े प्लाट में कारपोरेट, हजारों एकड़ के प्लाट में कारपोरेट खेती करेगा तो आप उसके मुकाबले खेती नहीं कर पाओगे और आपको जो सरकार ने पहले कानून बनाए थे उन्हीं कानूनों पर जाना पड़ेगा। ठेका खेती शुरू होगी, कंपनी आपसे ठेके पे खेती कराएंगी तो एक बड़ा मुद्दा है और ये केवल उनका नहीं है जिनकी जमीनें जा रही हैं, उनके अलावा ये उनका मुद्दा भी है जो जमीन वाले हैं उनको ठेके पे खेती करनी पड़ेगी और जो बाकी लोग हैं, क्योंकि इस प्रथा से सारा खाद भंडार कंपनियों को जाएगा। जो कानून पहले रद्द करवाए थे वो पिछले दरवाजे से इंटर हो रहे हैं तो ना मंडियां बचेंगी और जो स्टॉक था वो भी सारा कारपोरेट करेगा और खेती भी सारी कारपोरेट करेगा। ये उसी तरफ ये बात बढ़ रही है। तो साथियों आपसे अनुरोध है कि इसके लिए 25 तारीख को सभी तहसीलों पे ज्ञापन देना है। ज्ञापन हम बढ़ा के सोशल मीडिया पे डाल देंगे और उसके लिए सभी जगह मीटिंग करनी है, सारे जिलों में मीटिंग करनी है और उसमें सभी हमारे कार्यकर्ता पहुंचे और लोगों को प्रचारित करें। ये सबका मुद्दा है। तो उसमें कल जो है 16 तारीख को 10 बजे साहा मंडी में मीटिंग है और कल ही 2 बजे बरवाड़ा में मीटिंग है जिला पंचकुला में, और 18 तारीख को सुबह 10 बजे यमुनानगर अनाज मंडी में मीटिंग है और 18 तारीख को शाम के 3 बजे गरौंडा मंडी में किसान रेस्ट हाउस में मीटिंग है। तो साथियों आप सबसे अनुरोध है कि इनमें सारे अपने कार्यकर्ता पहुंचने चाहिए। इस पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। ये हरियाणा सरकार से कानून बनवाने की जरूरत है कि जो जिस जमीन पे खेती कर रहा है वो जमीन का मालिक हो, ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। और ये कईयों के पास तो 60 साल पुराने जमीने हैं और आगे से आगे बिक भी चुकी हैं, कईयों पे प्लाट कट चुके हैं, मतलब बिल्कुल अनर्थ होने जा रहा है। और ये लाखों एकड़ जमीन है, थोड़ी नहीं है, लाखों एकड़ जमीन है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा और जिन जिन की भाइयों की जमीनें जा रही हैं वो जमीनों वाले जरूर पहुंचे, अपने जो है जो भी उनके पास ज्ञान है जो वो जानते हैं कई केस लड़ा वो सब वहां पे पहुंचे और इस पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। तो आप सब आइए, धन्यवाद।